मुख्य रूप से पौधों में स्वपरागण को सफल बनाने के लिए कौन सी प्रयुक्तियाँ विकसित होती हैं या कौन सा साधन जो है वो पाया जाता है? पहला है द्विलिंगता यानी बायसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइट अनुमिलीय परागण या कैलिस्टोगैमी, और तीसरा है समकालपक्वता यानी होमोगैमी। ये तीनों पौधों में स्वपरागण को सफल बनाने के लिए क्या है, विकसित हैं। द्विलिंगता यानी बायसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म, इसका मतलब नर व मादा दोनों जननांगों की एक पुष्प में उपस्थित स्वपरागण को बढ़ावा देती है। सामान्यतः स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन द्विलिंगी पुष्पों में होता है, हालांकि उभयलिंगी श्रेयी मोनोसियस पौधों में भी इसकी संभावना होती है। अनुलीय परागंस या कैलिस्टोगेमी फ्लावर्स, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उसे हम लोग कैलिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। इस प्रकार के द्विलिंगी पुष्पों में सदैव आवश्यक रूप से स्वपरागण ही होता है। वास्तविक तौर पर ट्रू कैलिस्टोगेमी का जो उदाहरण है वो डायथेंडिया कैलिफोर्निका है। समकाल पक्वता यानी होमोगैमी, द्विलिंगी पुष्पों में जब परागकोष तथा वर्तिका अंडक या एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसे हम लोग होमोगैमी या समकाल पक्वता कहते हैं। ऐसे पौधों में स्वपरागण के अवसर काफ़ी अधिक हो जाते हैं।